मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको मोबिलियन के बारे में बताया, सांद्रता के बारे में बताया और तत्व तो यौगिक मिश्रण के बारे में बताया। इन सभी की डिफिनेशन मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद विलयन था और उस विलयन में एक टॉपिक था क्वेश्चन। क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सॉल्व करवाना चाहता हूँ आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक विलयन के 220 ग्राम विलाय जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है तो विलयन की सांद्रता की गणना करनी है। यानी विलयन की सांद्रता की गणना करने के लिए तो आपको थोड़ा सा जो इसमें दिया होगा पहले आप उसको नोट कर लीजिए और फार्मूला रखिए। फार्मूला लगाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, जो इसमें दिया है तो आप उसको पहले लिखिए। दिया क्या दिया है बच्चों, 320 ग्राम विलायक जल में मिला हुआ है और 40 ग्राम क्या आपका साधारण नमक है। तो आप उसको लिखिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे, विलेय पदार्थ, पदार्थ के कौन है नमक, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया है 40 ग्राम। फिर क्या लिखा बच्चों, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का मतलब कौन होगा, इसमें जल बचा हुआ है, विलायक का द्रव्यमान बराबर कितना दिया है 320 ग्राम दिया हुआ है। फिर इसके बाद क्या कहता है, हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है, क्या है, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आपको पता है, आप और आगे जाके कक्षा में पढ़ेंगे कि जो हमारा विलयन है तो विलयन इक्वल टू होता है विलेय प्लस विलायक। विलेय का मतलब जो मात्रा कम रहती है, जिस पदार्थ में विलयन की मात्रा कम रहती है और जिस पदार्थ में विलेय की मात्रा अधिक रहती है, तो अगर कम रहेगी तो विलेय, अधिक रहेगा तो विलायक। तो विलेय और विलायक का जो योग होता है हमारा विलयन कहलाता है। वही लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है, विलयन का द्रव्यमान बराबर, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा आपके पास कितना है 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, सॉल्व करिए तो 360 किया जाएगा। क्या निकल के आया, विलयन का द्रव्यमान। अब आपके पास सूत्र होता है द्रव्यमान निकालने के लिए, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है, क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ऊपर क्या लिखेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान। कहाँ है ये लिखा हुआ है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान, साल करिए इनटू, क्योंकि प्रतिशत जब निकाला जाता है तो 100 में निकाला जाता है, इनटू 100, तो सॉल्व करना है आपको। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है आपके पास 40 बटे, विलेय का द्रव्यमान कितना निकल के आया 300, ये कितना है आपका 320 में हमारे लिखा हुआ है, ये है विलेय का द्रव्यमान बराबर कितना 360 इनटू 100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आप यहां से एक
जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए और 40 का 10 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 4। या तो आप यही सीधे काट दीजिए, क्या कर दीजिए काट दीजिए, यहीं पे 2 से काटिए, 2 से काटने कितना हो जाएगा आपका 18 × 36 और 5 × 10 हो जाएगा आपका, 2 से कट गया 18 × 36 5 × 10। आप क्या बचा आपका, एक और काट दीजिए, 2 से ही काटिए, 2 × 18 अब एक गुना क्या हो जाएगा आपका 40। आप क्या होगा बचा कितना आपके पास 20 × 100/9 एक 11 नहीं आ 99 आपके पास 100 है, आप एक काम करिए बराबर कितना आ गया आपका 11। दशमलव और आप ले जा सकते हैं, भाग ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जैसे आप लीजिए 9 × 9 एक बचा, 10 हुआ 9 × 9 एक बचा, अब आप क्या बचा भैया 1 बचा तो और ले जाइए 9 × 9 यानी बढ़ता चला जाएगा। आप या तो 11.1 लिख दीजिए या 11.1 1 ही रहेगा, क्योंकि आप जब दशमलव के बाद 5 आता है तब जाकर के एवरेज में क्या होता है 6 जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना आ जाएगा 11.1 आ जाएगा। आंसर क्या निकल के आया लिख दीजिए, बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कितना आया 11.1 इसमें लिखने है मात्रा प्रतिशत में आया है 11.1% 11.1% आ गया आपका। तो बच्चों थोड़ा एक बार और देख लीजिए क्या है, 1 बिलियन के 320 ग्राम मिला है जल में, 40 ग्राम साधारण नमक क्या है मिला हुआ यानी मिले है, तो बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो देखिए दिया हुआ है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 40 ग्राम मेरे पास दिया हुआ है, विलायक का द्रव्यमान 320 ग्राम दिया हुआ है, सूत्र होता है बिलियन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान / विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि विलेय जो होता है विलेय के अंदर ही दो विलेय और विलेय मिला होता है। ये देखिए आपका क्या है बिलियन, अब बिलियन के अंदर क्या होता है दो पार्ट होते हैं, क्या क्या विलेय और विलायक, पहला आपका विलेय हो गया दूसरा विलायक आपका, वही यहाँ भी लिखा हुआ है कि विलेय का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम 360 ग्राम निकल के आ गया। इसके बाद विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत हमारे पास फार्मूला होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान इनटू 100, तो क्या हुआ बराबर कर दिया विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना निकल के आया 40 और विलेय का द्रव्यमान, अब विलेय का द्रव्यमान कितना निकल के आया 360, 360 या इनटू 100 हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 से काट दिया 18 × 36 5 × 10 ये भी करा, अब 9 से काट दिया तो 2 × 18 2 से काटा 2 × 18 और 3 × 40। इसके बाद 20 × 100 और नीचे 9 बचा है, 100 में 9 का भाग दे दिया 9 × 9 एक बचा, 9 × 9 पुनः एक बचा, भाग नहीं जा रहा था मैंने 0 लगाया 9 × 9 यानी 11.1 आ गया और आपका यही आंसर है। जो आप जाकर इसको समझने की कोशिश करिए, एक बार दो बार लगाइए आपसे 100% बनेगा, और अगर नहीं बनता है तो आप नीचे कमेंट्स करिएगा। आज इतना ही, गुड डे स्टूडेंट्स।